बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनेद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन, अशरफ गनी पे क़यामत टूट पड़ी, अशरफ गनी भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। इंटरपोल हरकत में आ गई, अमारात से ताजिकिस्तान आते ही अशरफ गनी रगड़ा गया। 16 करोड़ 60 लाख डॉलर लेकर भागने वाले गनी की सारी अयाशियां खत्म हो गई हैं। अमारात इस्लामी का इंटरपोल को पहला खत काम कर गया है। पूरा अफगानिस्तान अशरफ गनी के फरार होते ही मुत्तहिद हुआ और तालिबानों ने अशरफ गनी को सजा देने का फैसला किया। अफगानिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लुटेरे को पकड़ने के लिए ताजिकिस्तान ने भी तारीख रकम कर दी, हमसाया होने का हक अदा किया। अशरफ गनी का तैयारा जैसे ही लैंड हुआ, इंटरपोल हरकत में आई और तारीख रकम कर दी। नाज़रीन, ताजिकिस्तान में एसईओ की मीटिंग में अफगानिस्तान की सीट पर बैठने की किस गद्दार ने कोशिश की और मोदी ने क्या चाल चली, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अशरफ गनी ने जो जुल्म ढाए उनका अजाला तो मुमकिन नहीं और ना ही लूटी हुई दौलत वापस लाने से इसे कम किया जा सकता है, बल्कि इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है। दुनिया के सामने तालिबान को बदनाम करने और यह बताने कि यही दहशतगर्द हैं, इन्हीं की वजह से खूनरेजी होती है, इन्हीं की वजह से अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, अशरफ गनी ने कसर ना छोड़ी। यह सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफाद और अमेरिका को खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए, बाकी के जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं उन्हें खुश करने के लिए गनी ने यह काम किया ताकि उनसे इसे डॉलर, इसे पैसा मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, अशरफ गनी की जिंदगी पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो इसने अमेरिका, भारत, इसराइल और यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए अफगानिस्तान में जंग खत्म करने की जरा से भी कोशिश नहीं की। अशरफ गनी की जिंदगी लालच पर मबनी थी, इक्तदार की लालच, माल की लालच, बस इसकी जिंदगी एक गुलामाना जिंदगी थी। अशरफ गनी के बुरे दिन 15 अगस्त को शुरू हुए। इसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा करेंगे और अमेरिका की ट्रेंड आर्मी, जिसे अमेरिका ने जदीद असलहा दिया हुआ था, वो पल भर में रेत की दीवार साबित होगी और तालिबानों के सामने ढेर हो जाएगी। नाज़रीन, ये वही आदमी है, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का फैसला किया तो इसने अपने लोगों के साथ एक मीटिंग की और चीख चीख कर कहा कि जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हालात हो जाएं, मैं यानी कि अशरफ गनी अपने लोगों को, अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मगर नाज़रीन, तारीख ने देखा कि यह लालची आदमी अपने मुल्क के साथ कितना मुखलस था। तालिबान ने कब्जा करने के बावजूद काबुल दाखिल होने से परहेज किया, इसलिए इसकी वजह दोहा मुआहदा था। लेकिन अशरफ गनी ने मुल्क से फरार होकर सबसे पहले इसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दोस्तों, अशरफ गनी के भागने की खबर के बाद तालिबान ने मुजाहिदीन को काबुल दाखिल होने का हुक्म दिया। अशरफ गनी की अगली जिंदगी इंतहाई इबरतनाक होने वाली है। पिछली जिंदगी तो इसने लोगों पर जुल्म ढाते हुए, तालिबानों को दुनिया के सामने बदनाम करते हुए, अफगानिस्तान के लोगों के हुकूक छीनते हुए, दौलत समेटते हुए, अमेरिका को, भारत को, यूरोपीय यूनियन को खुश करते हुए गुजारी। मगर आने वाली जिंदगी अशरफ गनी की इंतहाई कर्बनाक और इंतहाई अजियतनाक होने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, हमारे ज़राए के मुताबिक ताजा तरीन इतलात हैं कि अशरफ गनी अमारात से ताजिकिस्तान आ गया है। इस इत्तला के बाद अफगानिस्तान ने इंटरपोल से राबिता किया ताकि अशरफ गनी को गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा अशरफ गनी पे एक मुसीबत अमेरिका की भी तरफ से है, वो ये कि अमेरिका जो पहले इसके साथ था अब इसके खिलाफ है। अशरफ गनी के खिलाफ अमेरिका ने तहकीकात का फैसला किया है। नाज़रीन, अमेरिका के बारे में यही बात कही जाती है कि अमेरिका जब अपना काम निकलवा लेता है तो बंदे को फिर मरवा देता है, और यही हिसाब अशरफ गनी के साथ है कि अब अमेरिका ने इसके खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। नाज़रीन, अब यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अशरफ गनी को किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां अशरफ गनी गुमनामी की मगर अजियत की बाकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होगा। यहां पे एक बात आपकी याद दहानी के लिए बताऊं कि तालिबान ने आम मुआफी का ऐलान किया था जब तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हुए, मगर जिन्होंने मुल्की दौलत लूटी उन्हें सख्त सजा देने का भी फैसला किया गया था।
दौलत लूटने वालों को एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा, ऐसा तालिबान ने कहा था। तो नाज़रीन, तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक ने कहा कि अफगानिस्तान में फसाद अशरफ गनी ने शुरू किया था, जो चार गाड़ियों में पैसा भरकर फरार होने में कामयाब हुआ। तय यह हुआ था कि अशरफ गनी अपनी टीम के हमरा इख्तियारात तालिबान के हवाले करेगा। तालिबान के आने के बाद न्यूज चैनल्स पर ख्वातीन को काम करने से रोका गया था, इसके साथ आम मुआफी का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद नाज़रीन ग्रामी अब दोबारा न्यूज चैनल्स पर ख्वातीन को काम करने की इजाजत मिली है और जिंदगी मामूल के मुताबिक चल पड़ी है। इसके साथ नाज़रीन ग्रामी एक अहम खबर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक ने अशरफ गनी और इनके चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर फजली के अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। तालिबान के कंट्रोल के बायस भागने के बाद अशरफ गनी ने किसी नामालूम मुकाम से फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पैगाम जारी किया था कि वो खून रेजी को रोकने के लिए अफगानिस्तान से निकले हैं, अगर वो वहां पर रहते तो बेशुमार मुहिब्बे वतन मारे जाते और काबुल का नक्शा हुलिया बदल जाता, तबाह हो जाता। दोस्तों, अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में कौन से जुल्म नहीं ढाए गए, कौन से मुहिब्बे वतन बचे रहे हैं, बच्चे बूढ़े औरतें सब के सब मारे गए हैं। काबुल का नक्शा पहले भी बदला था और अशरफ गनी अब इस वीडियो पैगाम की आड़ में यह कह रहे हैं कि मैं इसलिए वहां से भागा हूं कि लोगों का खून ना हो और काबुल का हुलिया ना बिगड़े। नाज़रीन, इस पैगाम के बाद फेसबुक ने अशरफ गनी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि डॉलर्स लेकर भागने वाले अशरफ गनी के खिलाफ अमेरिका ने तहकीकात का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के निगरान कमेटी ने बाइडेन इंतजामिया से यह मुतालबा किया है कि डॉलर से भरे बैग साथ ले जाने पर अशरफ गनी के खिलाफ तहकीकात करवाई जाए। निगरान कमेटी ने वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को इस मामले में ब्रीफिंग देने का भी मुतालबा किया है। इसके साथ नाज़रीन ग्रामी ताजिकिस्तान में शंघाई तावुन तंजीम का 20वां इजलास हुआ, जिसमें तालिबान हुकूमत की जानिब से दरखास्त पर अफगानिस्तान की नशिस्त को खाली रखा गया। नाज़रीन, इसको तालिबान का पहला सिफारती राबता भी कहा जा सकता है। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्ला साले, जो ताजिकिस्तान भाग गए थे, ने भारत की हिमायत पर, मोदी की हिमायत पर इजलास में अफगानिस्तान की नशिस्त पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दीगर ममालिक के सरबराहान ने अमरुल्ला साले की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और कहा कि अफगानिस्तान की सीट खाली रहेगी। मुसद्दिका ज़राए ने बताया कि तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा ने शंघाई तंजीम के मेंबरान को खत लिखा कि मौजूदा तालिबान हुकूमत मुल्की हालात को मामूल पर लाने की कोशिश में मसरूफ है, लिहाजा अफगानिस्तान की नशिस्त को खाली रखा जाए। खत में यह भी यकीन दहानी करवाई गई कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान तंजीम की तमाम कोशिशों में तावुन करेगा और इलाकाई अमन में अपना मिशन भी जारी रखेगा। अमरुल्ला साले ने भारत की इमा पर ही अफगानिस्तान की नशिस्त पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर उसे नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन ग्रामी ताजा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान ने जब पंजशीर भी फतह कर लिया तो अमरुल्ला साले भाग कर ताजिकिस्तान चला गया, वहां पर कुछ दिन रहा और लेटेस्ट अभी की एक तस्वीर सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि अमरुल्ला साले अमारात के किसी बैंक में बैठा हुआ है। यह तस्वीर अमारात इस्लामी के ट्विटर अकाउंट से पब्लिश की गई है। आखिर में नाज़रीन, यही कहूंगा कि जो अपने मुल्क के साथ वफा नहीं करते, जो दूसरों को खुश करने के लिए अपने लोगों को लोगों की बलि चढ़ाते हैं, जो अपने लोगों का खून करवाते हैं, तारीख उन्हें इसी तरह रौंदती है जैसे अशरफ गनी और अमरुल्ला साले हैं। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।